दोस्तों, आज जिस प्राणायाम के बारे में हम चर्चा और अभ्यास करने जा रहे हैं वह भ्रामरी प्राणायाम कहलाता है। भ्रामरी प्राणायाम, यह प्राणायाम करते समय आप भ्रामरे सी गुंजन सा स्वर करते हैं, भ्रामरे सी हमिंग सा साउंड क्रिएट करते हैं, जिससे आपको अपने मस्तिष्क में एक नाद, एक साउंड सा प्रतीत होता है। अभी जो आप प्राणायाम कर रहे हैं वह बहुत ही सिंपल से बेसिक तरीके से कर रहे हैं, तो हम इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम कोमलता से अपने कानों को बंद करेंगे, दबाना नहीं होता है, बहुत कोमल तरीके से बंद करना होता है। पहले तरीके से करेंगे, आप श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, इनहेल, एक्सहेल। अब इनहेल करते हुए कानों को बंद करेंगे कोमलता से, और श्वास छोड़ते हुए दूसरे राउंड में आने के लिए आप सांस भरेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे, फिर इनहेल करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे। अब हम दूसरे तरीके से दूसरा राउंड करके देखते हैं। एकदम आंखें नहीं खोनी होती है, आप सब 5 से 8 ग्राउंड कर सकते हैं। धीरे धीरे आप इसकी प्रैक्टिस अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। अंत तरीके के लिए आप श्वास को भरते हैं, इनहेल होल्ड करते हुए अपने कानों को बंद करते हैं, और एक्सहेल धीरे से नाक को खोलते हुए करते हैं। आपको नाद एक साउंड फील होगा, उस साउंड में आप अगर आप ध्यान लगाना चाहें तो उसको फ्री होते हैं के बाद जब आप हाथ हटा लें तो साउंड पे अपने माइंड को फोकस भी कर सकते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है, साउंड फ्लक्चुएट ना करे, ऊपर नीचे ना करे, या एक सम साउंड रहेगा, एक बैलेंस साउंड रहेगा। इस तरीके से आपको ये प्राणायाम करना है। इसकी लाभ के बाद बात करें, जिन लोगों को अवसाद, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इंसोम्निया, अवसाद, तनाव, एंगर, ये सब रहता है, उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। यह आपके रक्तचाप को भी बैलेंस रखता है, यह आपकी कंठ, आपके स्वर को भी अच्छा करता है। इसको करते समय सावधानी यह भी है, पहला, अगर कान में कोई रोग हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको नहीं करना चाहिए, इसको लेट कर कभी नहीं करना चाहिए, और सही समय सुबह का है या जब बाहर साउंड कम हो, ताकि आप अपने नाद को सुन सके। इस प्राणायाम का अभ्यास करते रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्राणायाम की बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।